हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रस्तोगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फ़ोन लेके आया हूँ जो कि 25 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। कुछ उसकी लीक्स जो हैं वो इंटरनेट पे लीक हुई हैं, जो कि स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती, तो ये काफ़ी बजट फ़ोन होने वाला है। जो लोग कम कॉस्ट अफोर्ड करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है ये फ़ोन। तो देखते हैं क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं, क्या डिस्प्ले साइज है और क्या किस तरीके का हमें कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 सितंबर को लॉन्च होने वाला है Xiaomi Redmi का 8A। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन, बजट फ़ोन ये साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। जो लोग कम प्राइस अफोर्ड करते हैं उनके लिए काफ़ी बेटर फ़ोन साबित होने वाला है। तो ये जो है एंड्रॉयड 9.0 वर्जन पे काम करेगा, पाई पे। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। जो इसकी डिस्प्ले साइज़ रहेगी, इसकी डिस्प्ले साइज़ 6.2 इंचेस की रहेगी और ये पूरा का पूरा फ़ोन जो रहेगा बेजल लेस रहेगा। वाटर ड्रॉप नॉच की तरीके से एक आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो इसमें जो प्रोसेसर आएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आएगा, जो कि 1.95 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करने वाला है। तो काफ़ी आपको बजट फ़ोन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। आप इसमें गेमिंग वगैरह कर सकते हैं अच्छी, काफ़ी आपको डिस्प्ले भी लार्ज मिल रही है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बजट फ़ोन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी होने वाली। इसमें जो रेयर कैमरा दिया जा रहा है वो आपका डुअल रेयर कैमरा दिया जा रहा है, जो कि उसका प्राइमरी सेंसर जो रहेगा वो 12 मेगापिक्सल का रहेगा और जो डेप्थ सेंसिंग के लिए बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट क्रिएट करता है उसका सेंसर जो रहेगा वो 5 मेगापिक्सल रहेगा। तो काफ़ी बेटर आप बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कर सकेंगे इस फ़ोन के थ्रू। और जो आपका फ्रंट कैमरा आएगा वो 8 मेगापिक्सल का आएगा, तो काफ़ी बेटर सेल्फी आपकी भी होने वाली है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये आपका कैमरे में देने वाला है। और इसमें जो GPU दिया गया है वो 505 दिया गया है, तो काफ़ी बेटर आपको गेमिंग प्रोवाइड करेगा एक बजट फ़ोन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो आपको सिम कार्ड का स्लॉट मिलेगा वो आपको डुअल नैनो सिम कार्ड के स्लॉट मिलेंगे और आपको अलग से डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलेगा, जिसको आप 512 GB तक मेमोरी को लगा करके एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें बैटरी लाइफ जो है वो तो काफ़ी बूम दी गई है, बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप दिया जा रहा है आपको। 5000 mAh की बैटरी बैकअप दी जा रही है, तो काफ़ी बेटर आपको बैटरी बैकअप इसमें मिलने वाला है। इसमें माइक्रो USB ही रहेगी और आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, जिससे आप म्यूज़िक को इंजॉय कर सकते हैं अपने हेडफोन के थ्रू। तो इसमें जो वेरिएंट रहेंगे वो 3 वेरिएंट रहेंगे। एक आपका 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज रहेगा, और तीसरा जो रहेगा वो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज रहेगा। तो इसका जो बेस वेरिएंट रहेगा 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज, वो आपका 5999 रुपीज़ सिर्फ रहेगा। सिर्फ आपको 6000 में ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशन मिलने वाली हैं। तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 25 सितंबर है, तब से ये अवेलेबल हो जाएगा और आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो बताइएगा कि ये आप फ़ोन लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। जो भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।